हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम एक और शॉर्ट डबल ही कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इससे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे लॉस टेंजेंट क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर डाइलेक्ट्रिक के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें आपको चार ऑप्शन दे देता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम देखेंगे इस वीडियो के बाद। डाइलेक्ट्रिक से कोई भी क्वेश्चन आपका जो वन लाइनर है वो गलत नहीं होगा। तो उससे पहले मेक श्योर कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। अगर आपको हमारा जो मेरा खुद का पीडीएफ हैंड रिटेन नोट्स है वो चाहिए, या फिर प्रैक्टिस सेट्स चाहिए क्वेश्चंस के, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल से ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक में हमें क्या पढ़ना है। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक? सो डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल से मिलके बना होता है। देखिए, डाइलेक्ट्रिक इज अ मटेरियल मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। कोई भी ऐसे मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के बने हुए होते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं क्या? डाइलेक्ट्रिक। अब यहां पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो ठीक है, बट इलेक्ट्रिक डाइपोल्स क्या होते हैं? सो व्हाट आर इलेक्ट्रिक डाइपोल? सो व्हेन अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस बट स्टिल बाउंड टुगेदर। यानी कि अगर आपसे बोला जाए कि आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन करिए, तो आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस बट स्टिल बाउंडेड टुगेदर। यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को मिला के बना होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, बट स्टिल वो दोनों एक फोर्स के तहत बाउंडेड होते हैं। तो डायलेक्ट्रिक को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये प्लस, ये माइनस, ये दोनों सेपरेट हैं बट ये बाउंडेड भी हैं किसी फोर्स के हेल्प से। तो अब मान लीजिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया इस डायरेक्शन में। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम अप्लाई करते हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई के इन्फ्लुएंस में पॉजिटिव चार्ज मूव होके यहाँ पे आ गया, नेगेटिव चार्ज मूव होके यहाँ पे आ गया। मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, मतलब इनके बीच में कोई भी बाउंडेड फोर्स नहीं है। दीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर फ्री, राइट? फ्री कैसे? फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सही है। अब देखिए, एक और कॉन्सेप्ट छोटा सा मैं बता देता हूं। ये माइनस, ये प्लस, ये डाइपोल है बाउंडेड टुगेदर। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया इस डायरेक्शन में। तो बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एसी है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी इस डायरेक्शन में है, फिर हमने इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया, तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं ये भी क्या हो जाएंगे? रिवर्स हो जाएंगे। यानी कि डाइपोल रिवर्स हो जाएगा। तो इस डाइपोल के रिवर्स होने में जितनी एनर्जी का लॉस हो रहा है उसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस। डाइलेक्ट्रिक लॉस। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? एक तरह का इंसुलेटिंग मटेरियल।
तो अगर हम बोलें कि अपने प्रैक्टिकल डाइलेक्ट्रिक को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्रैक्टिकल डाइलेक्ट्रिक को रिप्रेजेंट किया जाता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ कैपेसिटेंस। ये होता है प्रैक्टिकल डाइलेक्ट्रिक का रिप्रेजेंटेशन। तो मान लीजिए यहां से जो करंट है वो I आ रही है, तो एक करंट यहां चली गई जिसे हम बोल रहे हैं IR, एक करंट यहां चली गई जिसे हम बोल रहे हैं IC, और फिर से I करंट बाहर निकल गई। ये है रेजिस्टेंस R, ये है कैपेसिटेंस C, और इस डाइलेक्ट्रिक के अक्रॉस टोटल वोल्टेज कितना है V। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि डाइलेक्ट्रिक लॉस निकालिए, तो डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या है, एक तरह का पावर लॉस। सो पावर लॉस इज इक्वल टू वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक लॉस, राइट। चलिए, क्योंकि कैपेसिटर की वजह से, अगर हमारा कैपेसिटर आइडियल है तो उसकी वजह से तो कोई लॉस नहीं होगा, जो लॉस होगा वो सीधा सीधा किसकी वजह से होगा, रेजिस्टेंस की वजह से, तो इसी लॉस को बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक लॉस। चलिए अब इसका हम फेजर बना लेते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले फेजर बनाते टाइम मैंने आपको हर बार क्या बताया है कि एक रेफरेंस चूज करिए। तो हम मान लेते हैं इस वोल्टेज वी को रेफरेंस, इस वोल्टेज वी को हमने मान लिया रेफरेंस। अब यहां पे दो करंट फ्लो हो रही होगी, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, आई आर रेजिस्टिव करंट, आई सी कैपेसिटिव करंट। तो रेजिस्टिव करंट हमेशा वोल्टेज के साथ क्या होती है, फेज में, और जो कैपेसिटिव करंट है वो हमेशा 90 डिग्री लीड करती है विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, सही है। अब हमारे पास क्या है, दो करंट आ गए, तो जो फाइनल करंट होगी वो क्या होगा, रिजल्टेंट। तो इनका जो रिजल्टेंट है, ये मान लेते हैं टोटल करंट है हमारी आई। अब आप मुझे बताइए इस एंगल को आप क्या बोलोगे, इस एंगल को आप क्या बोलोगे। तो मैंने आपको हर बार बताया है कि टोटल करंट और टोटल वोल्टेज के बीच में जो भी एंगल बनता है उसे बोला जाता है पावर फैक्टर एंगल। तो टोटल करंट हमारी है आई, टोटल वोल्टेज हम कितना सप्लाई कर रहे हैं वी, तो आई और वी के बीच में टोटल एंगल कितना बनेगा, पावर फैक्टर एंगल, दैट इज फाइव। और जो बचा हुआ एंगल है उसे हम क्या बोल देते हैं, डेल्टा, करेक्ट। अब एक चीज यहां से एज्यूम कर लीजिएगा, इसे मान लीजिए ओ, इस पॉइंट को मान लेते हैं ओ, इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को मान लेते हैं बी, इस पॉइंट को मान लेते हैं सी। तो यहां से आप मुझे बता सकते हो फ्रंट ट्रायंगल बी सी ओ, फ्रंट ट्रायंगल बी सी ओ, टैन डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, सी बी, या बी सी अपॉन बेस क्या है, ओ सी। तो आप मुझे बताइए बी सी किसके बराबर है, बी सी बराबर है, ये जो लेंथ है ये ओ ए के बराबर है, और जो हमारा ओ ए है वो क्या है, आई आर, यानी कि रेजिस्टिव करंट। तो आई आर, ओ सी किसके बराबर है, परपेंडिकुलर कैपेसिटिव करंट आई सी के बराबर। तो tan डेल्टा इज इक्वल टू आई आर को आप क्या लिख सकते हो, रेजिस्टिव करंट को, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, सो V बाई आर मल्टीप्लाइड बाई आई सी को आप क्या लिख सकते हो, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई कैपेसिटिव रिएक्टेंस। V से V कैंसिल आउट हो गया, हमें क्या मिला, tan डेल्टा इज इक्वल टू XC बाई R, XC क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा C, तो ये आ गया 1 अपॉन ओमेगा CR। तो tan डेल्टा हमें मिल गया 1 अपॉन ओमेगा CR, और इसी tan डेल्टा को क्या बोला जाता है, लॉस टेंजेंट, इसी को क्या बोला जाता है, लॉस टेंजेंट। करेक्ट,
डेल्टा होता है लॉस टेंजेंट। अब मुझे बताइए, अगर हम डाइलेक्ट्रिक का पावर फैक्टर पता करने की कोशिश करें तो कैसे पता करेंगे? अब ये मुझे बताइए, ये एंगल क्या हो सकता है? हम इसे बोल सकते हैं 90, ये पूरा एंगल कितना है 90। अगर हम इस 90 में से डेल्टा को घटा दें तो कितना बचता है 5, राइट। तो पावर फैक्टर को हम बोल सकते हैं कॉस 90 माइनस डेल्टा, और 90 माइनस डेल्टा क्या होता है साइन डेल्टा। तो इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक पावर फैक्टर हमेशा क्या होता है साइन डेल्टा। अब देखिए, पावर फैक्टर या आप बोल सकते हो जो डेल्टा है उसे लॉस टेंजेंट क्यों बोला जा रहा है? डेल्टा को लॉस टेंजेंट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि डेल्टा जितना ज्यादा होगा लॉस उतना ज्यादा होगा। हमारा जो लॉस है वो हो किसकी वजह से रहा है? आई आर करंट की वजह से हो रहा है। तो आई आर मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, मान लेते हैं आई आर मैग्नीट्यूड हमने बढ़ा दिया, करंट हमने बढ़ा दिया, आई आर करंट अब हमारी यहां पे है, तो इक्विवेलेंट करंट क्या बनेगी? ये हमारी बन जाएगी इक्विवेलेंट करंट आई, राइट। तो अब डेल्टा कितना बन रहा है? ये डेल्टा बन रहा है, डेल्टा का एंगल बढ़ गया मतलब लॉस बढ़ गया, तो इसीलिए टेन डेल्टा को बोला जाता है लॉस टेंजेंट, राइट। अब एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, पावर डिसिपेटेड हमने क्या पढ़ा? पावर डिसिपेटेड हमने पढ़ा वी स्क्वायर बाई आर। पावर स्टोर्ड क्या होगा? अब बताइए, कैपेसिटर और रेजिस्टर में से कौन है जो पावर स्टोर करेगा? कैपेसिटर। तो पावर स्टोर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाई एक्स सी। पावर डिसिपेशन को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं पीडी से, पावर स्टोर्ड को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं पी एस से। तो अगर हम दोनों का रेशियो लेते हैं, दैट इज पीडी पावर डिसिपेशन अपॉन पावर स्टोर्ड इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू एक्स सी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, हमें मिला पावर डिसिपेशन अपॉन पावर स्टोर्ड इज इक्वल टू एक्स सी अपॉन आर। एक्स सी क्या होता है 1/ωc, तो ये आ गया 1/ωcr। अब आपको नहीं लग रहा कि ये 1/ωc आपने कहीं देखा है, तो ये है टेन डेल्टा। तो हमेशा डायलैक्ट्रिक के केस में डिसिपेटेड पावर अपॉन स्टोर्ड पावर की वैल्यू कितनी होती है? टेन डेल्टा के बराबर। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, आपके जो वन लाइनर क्वेश्चन है कभी भी गलत नहीं होंगे, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।